मेरे वालों तुहानू सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। ते अज मैं तुहानू दसूंगी कि तुसी वड्डे वड्डे ट्रॉली बैग जिद्दां कि आपां लगेज हुंदे लै के जाण वास्ते कितें वी ट्रैवल ते, इन्हां नू घर बहुत आसानी नाल बिना वॉशिंग मशीन ते बिना सर्फ तों आपां किद्दां धो सकदे हां। इस तों पहलों मैं एक वीडियो अपलोड कीती सी कि तुसी भारी तो भारी कंबल घर विच बिना मशीन ते बिना ड्राई क्लीन किए बिना पैसा खर्च किए घर विच एकदम ईजी तरीके नाल धो सकदे हो। उस वीडियो नू वेखण वास्ते लिंक डिस्क्रिप्शन विच चैक करियो ते आप वेख सकते हो इस तरीके का ये ट्रॉली बैग है जिहड़ा आपां ट्रैवल करन वास्ते लेके जाने हैं। तो बहुत ज़्यादा एक वड्डे हुंदे आ उह नहीं है लेकिन है काफ़ी वड्डा आ। तो 10 तो 15 इहदे विच सूट तुसीं रख सकदे आ। तो ये थोड़ा गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लेकिन अंदर जिहड़े इहदे पॉकेट आ ना 4 तो 5 आ ये थोड़े गंदे हो गए। तो आपां इहनूं एकदम क्लीन करांगे। तो जे आप सर्फ ना धोईए तो कई बार ना बैग का जो कलर हों ट्रॉली का वह कलर फेड हो जाता क्योंकि ये ना सर्फ में काफ़ी हार्ड कैमिकल होंगे आ। तो मशीन में भी धोपद नहीं बड़ी परेशानी होंगी है। तो चलो जी आप अज तुम बैग धोन का एकदम आसान तरीका दसागे। तो किसी पक्के जगह पर रख लेना जिते मिट्टी मुट्टी ना हो कि गंदा ना हो सके। वैसे तो ये तुम जानते ही थले पहीए लगे होंगे आ। तो सब तो पहलों आप इस बैग को गिला कर लेंगे। किन्ने भी तुहाडे कोल वड्डे ट्रॉली है ना तो वह भी तुसी बहुत आसानी नाल घर विच धो सकदे आ। छोटे छोटे जिहड़े बैग हुंदे ते आपां कई बार वॉशिंग मशीन च भी धो लैने बट वॉशिंग मशीन च अगर आपां पा दईए ते ना ते मशीन घूमदी है ते काफ़ी जाम जी हो जांदी ते धोपदे वी नहीं है। लो जी आपां इहनूं धोण वास्ते शैंपू दा इस्तेमाल करांगे। जिस हिसाब दे नाल तुहाडा बैग गंदा या वड्डा उस हिसाब दे नाल तुसी शैंपू लै लेना। मैं 2 चम्मच लए आ ते 1.5 लीटर पानी पा लेंगे आपां इहदे विच ते चंगी तरीके नाल शैंपू नूं किसे भांडे विच घोल लेंगे। शैंपू नाल कलर भी फेट नहीं हुंदा ते बैग जिहड़े हुंदे अपने वधिया करके निखर भी जांदे आ। बस होर कुछ नहीं आपां लैणा सारे बैग नूं गिल्ला कर लेना पहलों फिर सारा शैंपू घोल के ते थोड़ा थोड़ा बैग दे बाहर ते अंदर जिथे इत्थे ज़्यादा गंदा शैंपू पा के ते फिर आपां इक ब्रश लै लेंगे। ब्रश दे नाल वधिया करके रगड़ रगड़ के इहनूं साफ कर लेंगे। तो जिहड़ी भी मैल मूल लगी हो जिद्दां चैना जिथे बंद हुंदी आ उत्थे या फिर इहदे हैंडल हुंदे जिथे तणियां लगी उत्थों के बैग ज़्यादा गंदे होंगे या नीचे वाली साइड तो जितों आप रख लें किसी भी जगह पर तो उतों उतों आप वधिया करके एन रगड़ के ब्रश के नाल 3 तो 4 मिनट इनू क्लीन कर लेंगे। तो मैं अगर तुहानू पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी इस करके मैं थोड़ी फास्ट की हुई है वीडियो। तो उपर की साइड देख सकते शैंपू नाल कितनी वधिया झग भी हो गई है तो वधिया निखर भी जाता है। तो कितने भी महंगे तुहाडे बैग या ट्रॉली कुछ भी उहदा फिर कलर भी खराब नहीं हुंदा। इहनू पहलों तुसीं धोण तो पहलों चंगी तरह चैक कर लेना विच कोई समान समून ना होवे। तो उस तो बाद धोना इहदे विच जो भी गत्ते दा अंदर कोई एक लगी हुंदी चीज़ तो उहनू भी तुसीं कढ कुढ लैणा। कई बार पानी नाल भिज के ना फिर खराब जे हो जांदे आ। तो चंगी तरह सब समान कढ के उस तो बाद ही बैग नूं तुसीं वॉश करना। तो वेख सकदे कितनी वधिया झग हो गई चंगे तरीके नाल जिथों इत्थों बैग गंदा तो वधिया करके बुरश मार के तुसीं इहनूं रगड़ लो 3-4 मिनट लग जाने। नीचे वाली साइड के उपर जिथे जिथे हैंडल आ उत्थे सारे वधिया करके रगड़ के ते तुसीं चाहो तो 2-4 मिनट ज़्यादा बैग गंदा तो इदा ही तुसीं रहन दो। जे बैग घट गंदा तो नालों नाल तुसीं बुरश मार के इहनूं रगड़ के साफ करके तो उस टाइम इहनूं तुसीं पानी नाल धो के धुप्पे रख दो 1-2 दिन च। सवेरे धुप्पा तो शाम तक वधिया धुप्प आउंदी होवे तो सुक जांदा आ नहीं तो फिर 2 दिन वास्ते वधिया सुक ही जांदा आ। या किसी तार दे नाल बंध दो लटका दो इहदी तणियां तां वी बहुत छेती सुक जांदा क्योंकि पानी सारा नुचड़ जांदा आ। लो जी वधिया करके रगड़ के आपां शैंपू ना साफ कर लिया एकदम क्लीन हो गया। तो हुण आपां इहनूं वॉश कर लैंदे आ चंगी तरह जिहड़ा शैंपू आपां कढ दांगे। तो बिना किसी परेशानी तो तुसीं घर विच वड्डे वड्डे इस तरीके दे ट्रॉली बैग वॉश कर सकदे आ। बहुत ईजी हो जांदे आ वॉश। कई बार आपां धोण दे दुखों ही कह दें कि अज धोवे कल धोवे हाए इहनूं किदां धोणा पर इस तरीके नाल बहुत आसानी नाल आपां घर विच वॉश कर सकते हैं।
ਲਓ ਜੀ ਬੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਨ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਧੁੱਪੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਬੈਗ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬੈਗ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੋਲੀ ਲਗੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਵਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾਲ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਜੀ